नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक प्रसिद्ध डॉक्टर को सम्मानित किया जा रहा था उनकी सेवाओं के लिए। वक्तव्य देने के लिए जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने अपने जीवन की बात सबके सामने रखी कि मेरे पिताजी बहुत शराब पिया करते थे। हम दो भाई हैं, बड़े भाई ने भी शराब पीनी शुरू कर दी पिताजी को देख करके, और आज वो गाँव में ऐसे ही गलियों में पड़ा रहता है शराब के नशे में। लेकिन मैंने अपने पिताजी को देखा कि शराब के नशे में माताजी के साथ वो लड़ते झगड़ते भी हैं, अपशब्द भी बोलते हैं और घर का माहौल ठीक नहीं रखते। मुझे शराब नहीं पीनी बल्कि अपने जीवन को महान बनाना है, लोगों के काम आना है, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मित्रों, चीज़ें बातें लोगों के लिए एक होती हैं, लेकिन हम उससे क्या उठाते हैं? नकारात्मक बात उठाते हैं या सकारात्मक, ये हम पर होता है। यदि हम नकारात्मक बात को देखकर नकारात्मक ही बन जाते हैं तो हमारा जीवन भी नारकीय हो जाता है। लेकिन नकारात्मक चीज़ से भी कुछ सकारात्मक बात लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, औरों के लिए आदर्श बन जाता है। इसलिए चारों तरफ भले ही कैसा भी माहौल हो, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा सकारात्मक बने रहना है। ये हम सबको दृढ़ संकल्प ज़रूर लेना है। तो आइए इसी दृढ़ संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। शांति। एक बार एक अंधे व्यक्ति को मंदिर में आता हुआ देखकर लोग हंसकर कहने लगे कि मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए हो, परंतु क्या तुम भगवान को देख पाओगे? इस पर वो अंधा व्यक्ति मुस्कुरा कर कहने लगा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे देख ही लेंगे ना। वास्तव में जीवन में दृष्टि नहीं अभी तो दृष्टिकोण मायने रखता है। एक व्यक्ति के पास जिंदगी में चाहे कोई सुख सुविधाएं या प्राप्तियां ना भी हो, परंतु उसका सकारात्मक दृष्टिकोण ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति की सबसे बड़ी विकलांगता है। तो जीवन में खुशियां व सफलता प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती अपितु सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कहा भी जाता है कि जिंदगी एक ख्वाब है जिसमें बस जीने की चाहत चाहिए। गम भी खुशियों में बदल जाएगा, बस सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए। ओम शांति। मित्रों, हम सभी को तोहफे बहुत पसंद हैं। कौन ऐसा होगा जिसे तोहफा पसंद नहीं होगा? तोहफा चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें अच्छा लगता है जब कोई हमें देता है। तो ये तन, ये जीवन भी ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, और इस तोहफे का हम सबको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। ये ईश्वर पिता के लिए हमारा सम्मान होगा, प्यार होगा, उनके इस तोहफे के लिए रिगार्ड होगा, और इसका ध्यान हम प्रतिदिन रखते हैं अपने सबरंग कार्यक्रम में, आपकी सेहत आपके हाथ के माध्यम से भी, क्योंकि आप तक सुंदर सुंदर बातें पहुंचाते हैं। मित्रों, आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। खान पान एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे स्वास्थ्य का। यदि उसमें हम ऊपर नीचे कुछ करते हैं तो तन अस्वस्थ हो जाता है। तो आइए आज इस सेगमेंट में खास हम आपके लिए कुछ बातें लेकर आए हैं ताकि आप अपना ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रख सकें। आइए देखें वो खास बात क्या है। आज का दिवस पूरे विश्व में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है ये हर लेवल पर होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पर भी होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे भी होना चाहिए और ट्राइशरी लेवल पे भी होना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ हैं अगर वो दूषित हो जाते हैं, कंटामिनेटेड हो जाते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं, एक बैक्टीरियल होते हैं जिसमें साल्मोनेला रहता है, ई कोलाई रहता है, वायरल इन्फेक्शन रहते हैं, पैरासाइट इन्फेक्शन रहते हैं। इन इन्फेक्शन के कारण आंतों में सूजन आ जाती है,
डायरिया होने लगता है, दर्द होने लगता है, उल्टियाँ आने लगती है, ये सब फूड बोर्न बीमारी के कारण होते हैं। इसको हम कैसे प्रिवेंट करें? अब हमें हर लेवल पर वर्क करना पड़ेगा। जहाँ फसल उग रही है, प्रोड्यूसर है, जो बेच रहा है और जो इसका यूज़ कर रहा है, तीनों को सावधानी लेना पड़ेगी, तीनों को क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। हमें ऑर्गेनिक फूड को प्रोत्साहन करना पड़ेगा। जो फूड इंस्पेक्टर रहते हैं गवर्नमेंट के, उनकी चेकिंग ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, और जो खाना बना रहे हैं उनको भी हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। पूरी तरह से अगर वो वॉश करके बनाते हैं, सिर पर टोपी पहनते हैं, ग्लोव्स पहनते हैं, ये सब स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी हम खाना खाते हैं, फल खाते हैं, उनको प्रॉपर वॉश करें, क्लीन करें, और जितना अच्छी तरह से क्लीन करेंगे तो उनके ऊपर जो भी कंटामिनेशन है वो क्लीन हो जाता है। आइए हम सब मिलकर इस वर्ष क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करें और हेल्दी फूड लोगों तक पहुंचे। मित्रों, हम अपने बाह्य जगत को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने मित्र संबंधियों, बाह्य परिस्थितियों को, और कई बार ये नियंत्रण ना हो पाने के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बात हमें समझनी होगी कि जितना हम अपने अंतर जगत को नियंत्रित करते हैं, उतना ही बाह्य जगत को नियंत्रित करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाती है। अंतर जगत को नियंत्रित करना अर्थात अपने विचारों को, अपने संस्कारों को और अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करना। यदि आप यहाँ नियंत्रण पा लेते हैं तो बाह्य जगत को नियंत्रित करना आपके लिए खेल बन जाता है, और अंतर जगत को नियंत्रित करने के लिए योग सबसे सुंदर माध्यम है। जो योग युक्त होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन्हें अपने अंतर जगत पर सहज रूप से नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, और यही सुंदर कला लगातार हम आपके सामने रखते आ रहे हैं योग एक जीवन दर्शन में। वियोग का अर्थ है अलग होना, बिछड़ना, सेपरेट हो जाना। वास्तव में देखा जाए हम सभी योगी हैं। हम किसी न किसी व्यक्ति को, वस्तु को निरंतर सुबह से शाम तक हम याद करते आए हैं और करते रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को या वस्तु को या व्यक्ति को याद करते हैं तो उन व्यक्तियों के साथ या वस्तु के साथ हमारा योग जुड़ जाता है। फिर कहा जाएगा कि वस्तु के साथ हमारा योग है, व्यक्ति के साथ हमारा योग है। लेकिन सभी योगों से सर्वश्रेष्ठ योग, योगों का राजा, राजयोग। राजयोग में हम परमात्मा को याद करते हैं या परमात्मा के साथ योग लगाते हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, जोड़ या रिलेशनशिप जुड़ जाता है। शारीरिक योग और व्यायाम से हेल्थ हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन या राजयोग के द्वारा हम आत्मा के हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, आत्मा की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। योग के द्वारा अपने ही अंदर छिपे हुए नकारात्मक या व्यर्थ भावनाएं, विचारों को नष्ट करते हुए आत्मा को या मन को हम सशक्त करें और पॉजिटिव थिंकिंग जितना हमारे अंदर बढ़ता जाएगा तो मन शक्तिशाली होता जाएगा। और जो आजकल जो कहा जाता है मेंटल डिसीजेस या डिप्रेशन के शिकार बहुत लोग हो रहे हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो चले हम होलिस्टिक हेल्थ के तरफ अपने कदम बढ़ाएं, ना केवल शरीर को तंदुरुस्त रखें, शरीर के साथ साथ अपने मन को, आत्मा को भी हम तंदुरुस्त रखें।
मित्रों कहते हैं कि जिंदगी में कभी बुरे दिन से सामना हो जाए तो हौसला रखना। दिन बुरा था, जीवन बुरा नहीं था। सचमुच कई बार हम कुछ चंद पल या चंद दिनों के बुरे लम्हों के लिए पूरे जीवन को नष्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं। हम अपने जीवन के उन पन्नों की ओर देखें जिसमें खूबसूरत बातें रही हैं, खुशियां रही हैं, आनंद रहे हैं, सफलता रही हैं, और ऐसे पल ऐसे पन्ने आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। गम को हम बहुत भारीपन से अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, अपने दिल में बिठा लेते हैं, जगह दे देते हैं, जबकि करना ये चाहिए कि गम को जल्दी से जल्दी टाटा बाय बाय कर दें और खुशी को हाय करें कि खुशी आए हमारे जीवन में, आनंद आए, और साथ ही उन लम्हों का हम आनंद लें। और यही सुंदर बात और कला अध्यात्म हमें सिखाता है कि कैसे गम को सहज रूप से जाने दें और खुशी को पनाह और स्थान दें अपने जीवन में। कैसे ये सहजता से किया जा सकता है, कैसे गमों से मुक्त आनंदमय जीवन जिया जा सकता है, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं राजयोग के माध्यम से, ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से। आइए देखें उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज हाइलाइट्स में। मनुष्य के विकट परिस्थितियों में हमेशा ईश्वर की याद आते हैं, और बात जब किसी के जीवन की हो तब फिर एक परमात्मा के अलावा और कोई नजर नहीं आता, और इसलिए हॉस्पिटल्स में भी देवी देवताओं के चित्र लगाए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक प्रसिद्ध आर्थोपेडिक अस्पताल संचेती अस्पताल में पहली बार ब्रह्मा कुमारीज राजयोग ध्यान कक्ष का उद्घाटन किया गया, जिसमें आमंत्रित बी के सरिता बहन, प्रयाग धाम के आदरणीय महंत जी एवं डॉक्टर प्रयाग संचेती जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और दीप प्रज्वलन करके ध्यान कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपनी शुभकामनाएं प्रदान की और ध्यान कक्ष में बैठकर शक्तिशाली प्रकंपन भी फैलाए और यह विश्वास दिलाया कि यहां बैठकर निश्चित रूप से सभी के मन को आंतरिक शांति और शक्ति जरूर मिलेगी। मित्रों, जीवन और संसार में दोनों बातें उपस्थित हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। किसी ने ये कहा कि आपके अंदर ही दो प्रकार के बैल हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। आप जिसे ज़्यादा भोजन कराएंगे वही ज़्यादा बलशाली होता जाएगा, आप जिसके साथ ज़्यादा रहेंगे वही ज़्यादा बलशाली होता चला जाएगा, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे वही ज़्यादा बलशाली होता जाएगा। इसीलिए अपने विचारों और अपने कथन दोनों पर ही बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। विचार करें, एक ही वाक्य है, मैं काफ़ी अकेला हूँ, मैं काफ़ी अकेला हूँ, और मैं अकेला काफ़ी हूँ। एक ही वाक्य है, शब्दों का हेर फेर है, लेकिन कितना अंतर है। एक हमें निराश कर देता है, अकेलापन और कमज़ोर महसूस कराता है, तो वहीं दूसरा हमें शक्तिशाली अनुभव कराता है। सचमुच हमारे अपने ऊपर है कि हम यदि सकारात्मक शब्दों, सकारात्मक भावों के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जीवन शक्तिशाली होता चलता है, सुकून से और सफलता से भरता चलता है, और वहीं यदि हम नकारात्मक हो जाते हैं तो जीवन में असफलता हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हम सफल होते चलें, सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मक भावों का अंत करते चलें। अंधकार किसी को प्रिय नहीं है मित्रों, प्रकाश ही प्रकाश सभी को प्रिय है, तो सकारात्मकता के प्रकाश से स्वयं को भी प्रकाशित करें और अपने चारों तरफ भी यही प्रकाश फैलाएं इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।